कि कोई जरा सी चिंगारी डाले और भस्म हो जाए। हमारा हौसला तो ऐसा है कि जैसे कोई हिमालय के ऊंचे शिखर पर कोई योगी बैठा हो, हिमालय के ऊंचे शिखर पर कोई योगी बैठा हो, उसकी शीतलता और स्थिरता को, हिमालय के शिखर पर कितनी शीतलता, उसकी शीतलता और उस योगी की स्थिरता को कोई बिगाड़ नहीं सकता। धरती पर खड़ा हुआ आदमी हिमालय को जोरों से लात मारे, ठुक ठुकरे मारे और सोचे कि मैं इसके हिमालय को हिला के रख दूं और इसके शिखर पर जो बैठा है हिलाऊंगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा। अब वो कहां बैठा ऊपर और तू कहां खड़ा धरती पर, तू हिमालय को लाते मारकर ऊपर शिखर पे बैठे हुए आदमी की शीतलता को खत्म कर देगा, उसकी स्थिरता को तू चलायमान कर देगा। साधक ऐसे भक्त होते हैं सच्चे, जो भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होते हैं और अपनी भक्ति में मस्त होते हैं। उनको ये निंदक जो एकदम नीचे के केंद्रों में जी रहे हैं, वो कभी उनकी ऊंचाइयों को खत्म नहीं कर सकते और उनको ऊंचाई से नीचे नहीं ला सकते। साधकों का ऐसा मजबूत मनोबल होता। और एक बात और कहूं मैं आपसे, मधुमक्खियों का छत्ता होता ना, गुजराती में मधुपुड़ा बोलते हैं, हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसको अगर कोई छेड़ता है तो सब मधुमक्खियां मिलकर छेड़ने वाले को लहू लुहान कर देती है साहब, उसके पीछे पड़ जाती है, छोड़ती नहीं उसको। तो साधकों में भी ऐसी अडिगता और एकता हो कि बस कोई साधकों की एकता और अडिगता को खंडित करने के लिए आए और साधकों के दिल में मधुमक्खियों का शहद निकालने आते हैं ना, तो मधुमक्खियां उसको लहू लुहान कर देती है। ऐसे ही साधकों के हृदय में जो शहद है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, अगर उसको कोई लेने के लिए आए तो साधकों में भी ऐसी एकता और अडिगता हो कि हिलाने वाले की जड़ें हिलाकर उसको उखाड़ दे के तू क्या मधुमक्खियों का छत्ता ले जाएगा, ये तेरे पीछे पड़ जाएगी तो ठिकाने लगा देगी। साधकों की प्रियता गुरु में, गुरु भक्ति में होती है, उसको कोई भी आदमी विच्छिन्न नहीं कर सकता। एनवलप होता है ना कवर, उस पर अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना तो कोई भी उस पर कुछ भी लिखकर किसी भी पते पर पहुंचा सकता है, ठीक बात है ना। हमारा जीवन ऐसा खाली एनवलप नहीं है जिस पर कोई भी मन मर्जी से कोई भी पता लिख दे और कहीं भी पहुंचा दे। हमारे इस जीवन रूपी एनवलप पर केवल बापू का एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर कोई और लिख ही नहीं सकता। जैसे एनवलप पर एड्रेस लिखा हुआ हो तो फिर उस पर कोई और गड़बड़ नहीं कर सकता, ये कहीं और का एड्रेस लिखकर कहीं और पहुंचा दे, संभव नहीं है। उसी प्रकार हमारा जीवन कोई कोरा एनवलप नहीं है। उस पर लिखा हुआ है, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, समर्पण हो चुका है, एड्रेस लिखा जा चुका है गुरु चरणों के नाम का। अब कौन उस पर दूसरा एड्रेस लिख पाएगा। पर जहिते नीच बड़ाई पावा, नीच आदमी इस बात को समझ नहीं पाता, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, करूं तेरी सेवा गुरुवर करूं,
संभाला तू खोले तकदीर का ताला, भक्तों को है तूने संभाला तू खोले तकदीर का ताला। शीश मैं झुकाऊं गुरुवर, शीश मैं झुकाऊं, शीश मैं झुकाऊं गुरुवर, शीश मैं झुकाऊं। मैं आया तेरी शरण मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरण मेरे गुरुदेवा। चरणों में तेरे वंदन करते तेरा ही हम सुमिरन करते, चरणों में तेरे वंदन करते तेरा ही हम सुमिरन करते। दर्शन तेरा हम सब करते भक्ति से अपने दिल को भरते, दर्शन तेरा हम सब करते भक्ति से अपने दिल को भरते। महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी चैनल वाले ये कैसे हैं मैं आपको बताऊं। मगरमच्छ के आंसू, बाज की नजर, कुत्ते का भौंकना, लोमड़ी की चालाकी लेकर ही जन्मे हैं ये चार लेकर आए लोग साहब। मगरमच्छ के आंसू, कुत्ते का भौंकना, बाज की नजर और लोमड़ी की चालाकी लेकर ही जन्मे हैं। जो शराफत के दूध में बेईमानी का पानी मिलाते हैं, पर पता लिख रखा है हमने, हमारा कोरा है ना, मतलब नहीं है कि कोई और लिख देगा। अंतर्यामी तुम हो पालनहारे तुम हो, अंतर्यामी तुम हो पालनहारे तुम हो, ज्ञान के दाता तुम हो आनंद दाता तुम हो, ज्ञान के दाता तुम हो आनंद दाता तुम हो। जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा, जपू नाम तेरा गुरुवर, जपू नाम तेरा। सहारा तुम ही साथी, तुम ही दीपक तुम ही बाती, तुम ही सहारा तुम ही साथी, तुम ही दीपक तुम ही बाती। तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा तेरी कहीं न जाती, तुमसे रोशन दिन और राती, महिमा तेरी कहीं न जाती। भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं, भक्ति तेरी पाऊं गुरुवर, भक्ति तेरी पाऊं। मैं आया तेरी शरण मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरण मेरे गुरुदेवा। रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे, रहेंगे गुरु शरण में सजदा करेंगे, सजदा करेंगे। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे।
एक आदमी को कोई मोबाइल पे बार बार फोन करके उसको तंग करता था। कई लोग होते ना ऐसे, उसको बार बार फोन करता था, ये बेचारा परेशान हो गया, बार बार फोन करे, बार बार फोन करे। उसने क्या किया,